चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्री कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर्स ए बी एंड सी हैव रेडियाई स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन देम आर सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली द वैल्यूज ऑफ वी एंड वी बी विल बी। देखो सबसे पहले पोटेंशियल आपको निकालना है तीनों का, दो का ए और बी स्फेरिकल बॉडी का, ठीक है। पोटेंशियल निकालना उसके लिए आपको तीनों सरफेस बनाना पड़ेगा, तीनों स्फेयर बनाना पड़ेगा। ये पहला स्फेयर हो गया जिसका रेडियस ए है, इस पर चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, ये ए सरफेस है, ए स्फेयर है। दूसरा स्फेयर बनाते हैं हम ब्लू कलर का, ये दूसरा स्फेयर है, ठीक है। इसका रेडियस है स्मॉल बी, सरफेस है बी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी कितना है माइनस सिग्मा। तीसरा स्फेयर कैसा है, तीसरा स्फेयर ये हो गया, इसका रेडियस क्या है सी, इस पे चार्ज कितना है प्लस सिग्मा, सरफेस क्या है सी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया चार्ज डेंसिटी कितना होता है, एरिया चार्ज डेंसिटी होता है क्यू अपॉन ए, और स्फेयर के केस में एरिया की वैल्यू कितना होगा 4πr² होगा। तो अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालूं q = σ × 4πr² होगा। तो अगर मैं तीनों सरफेस का चार्ज निकालना चाहूं कि तीनों सरफेस पे चार्ज कितना होगा, तो ये होगा qa = σ + σ × 4πa² दूसरे सरफेस यानी बी पे चार्ज कितना होगा माइनस सिग्मा 4πb² और सी पे चार्ज कितना होगा प्लस सिग्मा 4πc². अब ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ए पॉइंट का पोटेंशियल होना चाहिए खुद पहले सरफेस की वजह से यानी ए सरफेस की वजह से KQ अपॉन ए होना चाहिए, दूसरा यानी बी सरफेस की वजह से कितना होना चाहिए KQ अपॉन बी और सी सरफेस की वजह से QC अपॉन सी होना चाहिए। अब इसमें जो कॉमन है पहले वो बाहर निकाल लेते हैं, के बाहर निकाल लिया, QA अपॉन ए, QA की वैल्यू प्लस सिग्मा 4πa² अपॉन ए माइनस सिग्मा 4πb² अपॉन बी प्लस सिग्मा 4πc² अपॉन सी, ये हो गया। अब के को 1/4πε0 लिख सकते हैं, और इन तीनों में कॉमन क्या है 4π और सिग्मा कॉमन है, ले लिया। ए से ए कटा, यहाँ बी से बी कटा, यहाँ सी से सी कटा, यहाँ क्या बचा सिर्फ ए बचा, यहाँ बी बचा प्लस सी बचा, ठीक है। 4π से यहाँ 4π कटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस सी बचा, ठीक है। ए पॉइंट का पोटेंशियल ये हो गया, ए पॉइंट का पोटेंशियल ये हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है, ए प्लस ए माइनस बी प्लस सी, ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, ठीक है। चलो इसी बहाने अब बी पॉइंट का भी पोटेंशियल निकाल ही लेते हैं, बी पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ निकालते हैं, बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ए की वजह से पोटेंशियल क्या होगा के क्यू ए अपॉन बी, बी और बी की वजह से बी पे पोटेंशियल के क्यू बी अपॉन बी माइनस होगा ना, माइनस होना चाहिए, ठीक है। और के क्यू सी अपॉन, या रहने दो प्लस कर दो क्यू चार्ज की वैल्यू, हम वो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, एक मिनट जो इसको हम लिख देते हैं माइनस के क्यू बी अपॉन कितना हो जाएगा, प्लस रहने दो अभी, और इसको बी कह देते हैं प्लस के क्यू सी अपॉन सी हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है, के कॉमन है, और हम क्या लिखेंगे क्यू ए की वैल्यू सिग्मा 4πa² अपॉन बी माइनस सिग्मा 4πb² अपॉन बी प्लस सिग्मा 4πc² अपॉन सी, जो कटेगा काट देते हैं, यहां से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, यहां कुछ नहीं कटेगा, कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन होगा यहां पर के की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0, सिग्मा ले लो बाहर और 4π ले लो बाहर, तो आएगा a² अपॉन बी माइनस ये b आएगा प्लस c आएगा, 4π से 4π कटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये b पॉइंट का पोटेंशियल हो रहा है, b सरफेस पे सिग्मा अपॉन 4
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी, ये आ रहा, यही ऑप्शन है, देखो वेरीफाई भी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।